लंगड़ा भी हो जाएगा, चौसा भी हो जाएगा, दशहरी भी हो जाएगा। ऐसे अपने यहाँ काम है कोई? अच्छा, चार वैरायटी का ऐसे टुकड़ लगा कर आके देख लेना। सरकारी अपनी सारी जो सेंटर एक्सेलेंस के सभी में डिमांड है, लोगों की रुचि तो बढ़ रही है, इनको पब्लिक करती है। मेरे भाई मोबाइल पीछे कर दो। ये थोड़ा साइड भैया, साइड भैया उस साइड से दे दो ना पानी। वाला जो इधर भी देख लो, सही चौके यहाँ जोगे रहिए कि तो सर लगाओ लगाओ तो और जो आए काफी।
सारे हमारे
कटिंग कर लेते हैं और काम काम से काम करते हैं। हां जी सर।
बागास के नाम से चला आ रहा है। एग्रीकल्चर के पास आकर हॉर्टिकल्चर पहले एग्रीकल्चर का था लेकिन बागवानी के नाम से बागवानी के पंजाब पंजाब टाइम का है। हाँ जी सर डीजन के नाम से मैं सर राजकीय बाग है सर। ये जो पेड़ इतने बड़े थे सर इसमें दिक्कत क्या है जी, एक इतना उठता है सर ऊपर हवा से डैमेज फ्रूट, क्योंकि आम एक ऐसी फसल है अगर उसमें 100 फूल आए हैं तो 0.2 में ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है जी। तो लेकिन हमने जब इसकी हाइट छोटी की सर इसकी पैदावार भी कम हो जाती है अब, लेकिन हाइट छोटी करने से हम सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं सर। और इवन हम जो नई टेक्निक है सर, तो इसराइल के साथ हमने डिस्कस करके डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम पिंचिंग करके हर साल फ्रूट आए सर ट्रेनियों में, मतलब आम में हमारा एक साल अच्छा फ्रूट आता था सर, उसको कैसे कम करना है ताकि हर साल फ्रूट आए। और इस बड़े बाग में सर हमने जो ये है कौन सा ये चौथे के हैं सर, लंगड़े के हैं और दशहरी लगे हुए थे सर इसमें। तो सर ये दशहरी है लेकिन ये फ्रूटिंग आई है ना सर इतना, मतलब जो प्रैक्टिस हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं, जो स्प्रेज है हमारे, जो फर्टिकेशन शेड्यूल है सर, उसकी वजह से ये फ्रूट रिटेन किया है सर हमने। और अगर हम 200 से 250 केजी पर प्लांट तक रख लेते हैं सर, हमारा जो मेन काम है वो सर सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाता है सर, पक्षियों से बचाने के लिए क्या करते हो। पक्षी सर आम में इतना डैमेज करते नहीं पक्षी, आम के अंदर हमारा सिर्फ एक वो आता है सर पॉपर, वो फरवरी में एक उसका तय समय है सर, वो कंडीशन में हम स्प्रे से कंट्रोल करते हैं, उसके बाद पर कोई स्प्रे वगैरह नहीं करते, इसके लिए वो यूजफुल होता है। तो पक्षियों के लिए आता है सर, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है सर, एक तो हम वो चमकीली तार बांध देते हैं सर जिससे पक्षी भी डैमेज ना हो, या फिर जाल डाल देते हैं, जाल में ये है कि सर वो पक्षी थोड़ा सा फंस जाता है जी। और दूसरा एक साउंड का है सर आवाज़ का जी, जो उसके अलग अलग एनिमल्स की आवाज़ रहती है वो प्ले कर देते हैं, तो उससे भी ये सर राइट साइड में भी हमारा ऐसे ही बड़ा बाग था, तो उसको हमने छोटा करके सर इसमें जो प्लांट पॉपुलेशन है वो बढ़ा ली सर। सर अगर हमारा एक किला है अगर उसमें हमने 110 पौधे लगाए हैं और उसमें हमने 220 पौधे लगाए हैं सर, तो ऑटोमेटिक जो हमारी इनिशियल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी सर और इनकम भी, और जो एक्टिविटीज है वो सेम है। डिफरेंट हाइट पे काटने हमको भी पता नहीं था कि हाइट पे काटने के लिए देखो ये इजराइल वालों ने हमें दो दे दी चलो आगे किसी ने लिखो जी नहीं सर उन्होंने हमें दो दे दी नहीं सर ऐसे ये टेक्निकल के तहत ये कि पवन ये सर ये 3 साल का हो गया ठीक है ये हमने पार्टी कर रहे हैं। हां जी ये छोटा ही रहता है सर।
और एक उधर भी वो भी हमने पाली है। बस इसको कटाई नहीं करनी चाहिए जिससे इसका फैलाव और बड़ा हो, मंजूर हो जाए ना? नहीं नहीं, ये हमने कर रखी है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी इनिशियल जो ट्रेनिंग है वो करी हुई है। सर ये हमारी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें मतलब अब कम हो गया था सर, पहले हमारा काफी एरिया होता था इसमें पानीपत सोनीपत और करनाल एरिया में, और अब ये कम हो गई थी सर, इसमें हमने 8-9 नई वैरायटियां ट्राई की हैं और ये अब हमारी फ्रूटिंग में आ गई सर। ये 5-6 ईयर है सर इसका। सर ये इसमें ना नॉर्मली 6 बच्चे में टिकल करते हैं, 20 बच्चे इसको अलग कर दिया वो 6 तो फ्री हो रखा है, 6 बच्चे क्या भाव बिक सकते बाजार में? ये यहाँ से कितने रेट में जा रहा है भाई पवन? 50 रुपये सर, यहाँ के जो हमने FPO को ये ऑप्शन किया हुआ है सर, ये पूरा थ्रू, और वो रिलायंस में बेच रहे हैं सर इसको 60 रुपीज़ और 50 रुपये नाशपाती। ये तो हार्ड वाला होगा ना? ये थोड़ा सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है सर, दोनों है सर। ये पत्थर में कलर तोड़ के धार पकड़ा हुआ है अभी तो उधर दो, लेकिन इस रीजन के लिए ना सर, मतलब ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, इसका प्रोडक्शन पर एकड़ कितनी यील्ड आ जाती है इसको? सर ये जो हमने हाई डेंसिटी पे लिया, ये भी सर हम इजराइल ये कहता है कि पर प्लांट कितने केजी लेना है सर, दोनों में तो हम ये 100 kg का टारगेट है सर पर प्लांट, और ये हमारे फिर तो उतर लो यार खा भी ये सर कई वैरायटी, कितनी वैरायटी लगाई है पवन यहाँ पे बताओ? 8 वैरायटी है सर, हमने 8 ट्राई की थी हमारी, इसमें चार बहुत प्रॉमिसिंग वैरायटी है सर, बहुत अच्छी है सर, और उसके बाद सर हमारा लेफ्ट का वगैरह देखिए। अब सर जो आप कह रहे हैं ना सर, लेफ्ट में भी देखिए, लेकिन ये हार्ड भी नहीं कह सकते लेकिन सर एक लेफ्ट सर ये सर लेफ्ट में परसिमोन है सर हमारा, ये जापानी फ्रूट बोलते हैं ना सर इसको, ये जापानी फ्रूट है सर, टमाटर जैसा होता है जो बहुत मीठा होता है सर, पीला सा कलर होता है सर जी सर, पीला ऑरेंज सा, ये सर इतना बड़ा होता है और ऑरेंज सा वो वाला फ्रूट है सर, ये एकदम मेन बीच में सेंटर में एक बीज होता है वो है जी, हां पूरा पलपली ₹300-400 जी सर। अरे ये आप हमारे यहाँ सर ये फ्रूट देख रहे हैं ना आप, इसमें अभी ये थोड़ा सा ठीक हो रहा है सर, आ रही है ये सेब है सर, ये सेब की ये फोटो सर, ऐसा फ्रूट था जी हमारे यहाँ पे, नहीं ये यहाँ की वैरायटी इसके बाद सर ये लेफ्ट में प्लम की 3x3 मीटर पे हमने प्लांटेशन की है सर, हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई, ज़्यादा डेंसिटी होगी बिल्कुल सर, एकदम अभी प्रूनिंग कर देंगे ऐसे करेंगे, प्रूनिंग की बहुत ग्रीट है ऐसा।
अभी इसके 4 साल बाद इसको हम एक पौधे क्लियर मूव करते हैं। इससे पहले आप दो तीन साल प्लीज में से हाँ जी सर, वो टेक्निक भी है सर, वो बड़े हो गए सर। तो जैसे आप ट्राई करेंगे तो सर उसी सेम ईयर में जो इसकी वो जाएगी प्लांट, इसकी रिपोर्ट इसकी होती है, करंट ईयर की आती है उसके कारण इस सीजन में करे कुछ इस पर निकले कुछ एक प्रूफ। तो ये है इसी के हमारा आड़ू था जी, आड़ू का सर ये अप्रैल में आता है, सिस्टम में आता है ये भी सर, हमारा 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये तक चला जाता है। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही है, इसमें मतलब रेन के साथ वो हमारे एरिड में जो सिरसा वाला इधर वाला आप वाला वो आपके वाला बिल्कुल सेम ही है, एरिड एरिड में है तो एकदम है ड्राई रीजन तो वहाँ पे किस तरह के पत्थर आगे बढ़ाई थी सर हमारे गुटार और ये ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया जी, देखते हैं रिजल्ट क्या था। लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है, पहली बार लगाया फर्स्ट। लोग कहते हैं ना कि आप हमें रिकमेंड करो, मैंने कहा पहले हम तो ट्राई कर लें, तो अभी लगाया जी। ये कहाँ से लेके आए सर? लोकल नर्सरी है सर, एक गुजरात एक नर्सरी है सर, वो यूनिवर्सिटी की है, आजकल का काम करती है, तो उससे हमने बताओ। मैंने बीमारी नहीं देखा था और गाँव में एक किसान ने लगाया हुआ है, वो भाई गुआवा ने लगाया और ये भी ये प्रोटीन कर एक फार्मर का ना जान गया जी। ये सर माल्टा है जी, माल्टे की कुछ वैरायटीज थी सर, वो हमने इस कंडीशन में ट्राई की थी जी, तो इनका सक्सेसफुल रिजल्ट ये है सर यहाँ, बिकॉज पानी हमारा ग्राउंड वाटर है वो सलाइन है, तो नींबू माल्टा माल्टा केनू और मौसमी में क्या फर्क है सर? तो हमारे तो एक नहीं सर, जो जो किन्नू है ना सर वो इजी पिलर है, जिसका छिलका आसानी से उतर जाए सर, जैसे नाक की संतरा है ना जी जो सॉफ्ट है वो भी है सर, और जो माल्टा होता है उसको वक्के में स्वीट ऑरेंज बोलते हैं सर, उसका छिलका आसानी से नहीं उतरता है, वो छिलके साथ ही अंदर का निकलता है। यस सर, सर ये यहाँ देखिए सर, ये लेफ्ट में पहले वो फोर है तो बता दें सर है तो भाई बहन है, एक है सिट्रस दो ग्रुप है। देखो हम मैंने कि जो कल बता मैंने तो इजी किलर बोलते हैं, इजी किलर आसानी से किलर नहीं, संतरा किन्नो ग्रुप में है, मैंडरिन ग्रुप दूसरा स्वीट ऑरेंज ग्रुप है, इसके अंदर माल्टा ये जितने भी है ना मौसमी और प्रोसेसिंग वैसी जितनी सारी इसमें ये और सर जो तीसरा ग्रुप है वो नींबू लाइम एंड लेमन है, फिर उसके बाद ग्रेप फ्रूट्स है सर, ये सिट्रस के पूरे 8 सब्जेक्ट हैं। ये कौन सी वैरायटी है सर? ये हमारी अंबिका है जी, अंबिका ब्लू रहेगा सर, ये रेड हो जाएगा एक साइड से, मतलब पर्पल पर्पल सारा रेड हो जाएगा। हाँ जी सर, ये हमारा मदर कलेक्शन ब्लॉक है सर, इसमें अच्छी बात क्या है सर कि हमने इस ईयर जो ये हमारे फ्रूटिंग में आया है, हमारे पास सर यहाँ से 5 ऐसे कुछ 2 लंगड़े के सर बहुत एक्सीलेंट, एक दशहरी का सर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट, और सर ये हमारे जो इजरायली ये सॉरी न्यू हाइब्रिड्स हैं जो ICR और IIHR के हैं, उन्होंने एक्सीलेंटली परफॉर्म किया है सर, और वो इन्हीं से हम आगे सारे पौधे यहाँ से तैयार करके देंगे सर, नियर अबाउट 30,000 पर ईयर में सर। इनका परफॉर्मेंस दो फरवरी के हमारे स्टार्ट कर दिया है। हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, कर्नाटका है सर, कर्नाटका बड़ी बहुत है, महाराष्ट्र हमारा फोन करने के लिए ज़्यादा है, मैंगो के लिए भी है, दो चीज़ केला भी है, मैंगो भी है एमपी में, एमपी में और कर्नाटका है सर, वो हमारे ऑरेंजेस के लिए ज़्यादा है, सब्जियाँ टमाटर मैंगो भी है, सब्जियों में तो सर हम भी बहुत अफर है, सब्जी में तो हम सर वो चौसा आम देखिए सर, ये जो आप ये चौसे का ना सर कुछ छोटा मिलता है सर, ये मेन ब्लॉक है जहाँ पे सभी वैरायटी के दो दो पौधे लगाए हुए हैं। ये लोगों के घर बने हुए हैं, घर है सर। ये सर हमारी चारदीवारी है जी, जामुन के पेड़ जामुन हमारे में है सर, वो तो नेचुरल चारदीवारी है, गाँव है ये
बढ़िया काम है, एक्सेलेंट है। अब हमने पहले सर हमारे ना 22 नर्सरियों में 25 नर्सरियों में हमारा होता था, थोड़ा सा और बढ़ाओ। नहीं सर, हम 5 पे आ गए थे, हमने कम कर दी। क्यों कर दी सर? इसके लिए ना मैन पावर रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं। सर एक जगह करेंगे तो सर हमें दिक्कत, हम सेंटर पे कर रहे हैं। ये तो बढ़ाओ वॉल्यूम है तो या तो प्राइवेट को सर, इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना सर, प्राइवेट तैयार हो जाओ या प्राइवेट दोनों कर रहे हैं सर। ये हमारे छोटे से इक्विपमेंट जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वो भी डिस्प्ले। ये कितने का आता है? ये सर ईयर बल्ब हम लाइट के आसपास आता है सर, यहाँ से घाट काटने वाला। हाँ जी सर, ये हमारा हाई बेंच की प्लॉट में हम इसी पे हमारे पास भी है। ये सर हमने अभी नर्सरी में कुछ चेंजेस किए हैं सर, अगर सर यहीं पे आके थोड़ा सा फिर और आगे अभी फिलहाल हम यहाँ पे 30,000 पहन एक की बात नहीं कर रहा, स्टेट की हमारी 50,000 तो कम नहीं आना चाहिए, लगभग 30-40,000 हमारी बुने। एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए आपको सर, जैसे सेंटर बनते जा रहे हैं, सेंटर बने ना बने तो कुछ भी हो, मैं तो हर साल 10% बढ़ा गई बढ़ ये बढ़ा, आप बढ़ाओगे तभी तो लोग जब डिमांड बढ़ गई सर। इसी के लिए अब हम एक अलग से नेटवर्क शो बना रहे हैं, और बढ़ा तो किसी से जानती हो रही हमारी जी सर, हरियाणा में 2 नेटवर्क शो बना ये शीतली यूनिट सर अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसमें जैसे हमें रूफ टॉप तैयार करने में उसके लिए तैयार करने में 3-4 महीने लगते हैं ना, ओपन में लेकर इसमें सर हम विदिन 30 डेज इसको जरा जल्दी बताओ सर। ये जो ग्राफ्टिंग अभी एक सर हम पहले ना यहाँ 4 पौधे रखते थे सर, ये हमने थोड़ा चेंज किया है ताकि ये यहाँ पे हाँ जी ये प्रोमिनेंट है सर। इसमें सर हमारा क्या है जी, हमने जो यहाँ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, जो यहाँ पे गुच्छा आता है सर आम में, पत्ते आएंगे फिर टहनी लंबी होगी फिर पत्ते आएंगे। कितने का दे रहे हैं आप? ये सर हमारा किसान के लिए तो नियर अबाउट 35-40 रुपीज का है जी, कमर्शियल में सर ये 70 सर, वैसे देखा जाए तो वैसे सर को तो 400 रुपये कम कर लिया। नहीं अब सर जो लोग हमारे यहाँ से सहारनपुर जाते थे लेने के लिए, हमारे सेंटर की क्रेडिबिलिटी उपलब्ध कराओ सर। ये दूरी पूरे 2 पौधे आते हैं सर हमारे आपके एक पौधा तैयार करने में 20 रुपए लगे 30 रुपए लगे तो उसको आगे लो इसको छोड़ दो, नेटा उसको छोड़ दिया, बाकी पौधा तैयार करने में ग्राफ्टिंग में पानी देने में खाद देने में वर्किंग कैपिटल के अनुसार आज इतना फील्ड वर्क कभी नहीं कर रहा हूँ। अरे बात हमारा मतलब ये है कि प्राइस तो इशू नहीं, हमें अच्छी क्वालिटी गारंटी चीज देना गारंटी बहुत बन गया सरकार, हमारे क्या सरकार की गारंटी घर वाला पता नहीं क्या दे सकता है उसको ग्रो कर सकते हैं।
यहाँ से हमारे सारे सिस्टम को हम पौधों को हर इंडस्ट्री को पानी देते हैं सर। और सर ये मच्छी भी हमारा बहुत पहले भी लेके आऊँगा। फिर क्या बात होगी सर? कोई बात नहीं सर, खत्म हो गया होगा, खाने के लिए दिया सर। कीमत ले लो। नहीं नहीं सर, आप मेरे पास कब सर जब आप खाओगे यूज करोगे तभी आगे बताओगे किसी को। ये मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। आपके साथ फोटो होगी थोड़ी हो गया सर। सर इधर नहीं, अरे ये हाँ जी सर चलती थी सर। ये इक्विपमेंट का थोड़ा सा किसानों को, जैसे हमने ये ट्रैक्टर यूज किया, ये हमारे सर ये कस्टिंग का कुलदीप, क्या प्राइस पड़ती है इसकी ट्रैक्टर की? नहीं जाएगा बताओ, ये ब्रांड बताओ सर। डीजल डीजल ऑपरेटेड, आप इसके पीछे कुछ भी इंप्लीमेंट लगा सकते हो ट्रैक्टर के पीछे। इसका तो वीड कंप्लीटेड ही नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वीडिंग के लिए के पीछे नियर अबाउट 5 फीट तक आप इसकी वीड के लगा सकते हैं। यही है सर, जो रोटरी है ना उसकी धुलाई कोटाई करेगा। कितने और फोन का ये? 9 एच पी। हाँ जी सर, सब्सिडी है। कितने का पड़ता है अभी? 90 का बता रहा हूँ। 90 का कितने का पड़ेगा? 40% 40% सर। ये स्प्रे पंप है सर, छोटे वाला नहीं। जब बड़ा ट्रैक्टर लेते हैं ना, ये फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग मच्छी मच्छरों के लिए। सैनिटाइज भी करते हैं हम इसमें। ये सैनिटाइजर 30,000 ये लीटर का होता है, 16 लीटर का टैंक है। इसके इसके साथ है केमिकल, ये मिनी फॉगिंग है। हाँ जी हाँ जी, हाँ कमर्शियल में यूज होता है सर मोस्टली। इससे 1300 बड़ा होएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है टैंक की। टैंक की मारने के लिए इसके बजाय जब गंदे गंदे स्प्रे करते ना वो काम कर वो सर। जैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट है ना, सब्जी लगाने के लिए वो जो प्लग नर्सरी होती है उसको जमीन मैनुअल सीड है सर, बीज लगाने के लिए, प्लांटर है फ्यूल वगैरह लगाने के लिए, पानी वाले निकालने के लिए कपड़े वगैरह छोटे छोटे। डॉक्टर साहब नमस्कार। Thank you.
इसमें सर ये हमारी नियर अबाउट 40-45 लाख का पीस का सिस्टम है, क्योंकि ये वेज ये सर हमको साउथ से लेके आए।
सर ये हमारा अनार अमरूद का आइडेंटिटी है, ये अनार का है सर, ये भी काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, हमें ज़्यादा है ना सर, थोड़ा सा है सर इसमें इरीगेशन का थोड़ा सा है, यहाँ शेड्यूल का है ना काम से काम वो इरीगेशन अगर ये सर ये भी काफ़ी रूमिनेटिव है सर, अभी हमारा लगभग 1,00,000 per acre में काम करता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है सर, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड पड़ती है ना जी, तो हमारे यहाँ हम फरवरी वाला ही फ्रूट लें सर, और उसमें बस जो जो अभी हमारी गर्मी गई इसमें हमें शेड्यूलिंग इरीगेशन कर आ जाएगा सर। ये सूर्या वैरायटी फ्रूट का सूर्या जी ये बहुत ही बेहतर, वो देखेंगे सर, ये अम्बिका वैरायटी का हाँ है फोल्डर, ये सारी एक फोल्डर बना सकते हैं सर, वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम अभी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को देंगे, अभी तीन का पेड़ है अगर ये 100 और 444 पौधे और ये 100 kg एक प्लांट में आ गया सर तो हमारे को बहुत बेनिफिट है। सर ये केसर जो हमारा इंडिया का फेमस आम है, ये गुजरात और महाराष्ट्र का सर तमाम एक्सपोर्ट होता है, ये हमारे यहाँ का सर केसर है जो हमारे यहाँ पर टेस्ट कीजिएगा सर, एक मिनट साइन हो जाओ लोग वैरायटी जाते हैं किसी भी चीज़ की, सूर्या जी सर ये सूर्या एक्सीलेंट है सर, शेप है, एक मिनट आप थोड़ा सा इधर हो, बस 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 चलो सर एक बार बाहर कर दो सर, सर सर एक मिनट ये नाशपाती भी ट्राई कीजिए सर, पिछले हफ्ते से मैं सबके आम खा रहा हूँ, सर ये सारे फ्रक्टोज है वो जो वो सुगर है वो रात को पहले हम खाने के साथ पूरे आम खाता हूँ फिर बैंक खा के ना सर ट्राई करो सर सितंबर, ये बहुत अच्छी वैरायटी है सितंबर सर, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करने के लिए
नहीं सर, हम इसमें जो हमारा शुरू में होता है अप्रैल मार्च और अप्रैल में सर, उस समय हमें हॉपर कंट्रोल करते हैं जी। उसके बाद सर बरसातों में इसमें वो फफूंद आती है जी, वो सीओसी डालते हैं। यूरोप और अमेरिका में एक्सेप्टेबल है क्या हमारा? हाँ जी बिल्कुल होगा सर, ये हम बिल्कुल होगा सर, हम हमारा वो सेफ पीरियड से भी हम ज्यादा टाइम में सेफ रख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा सर। भूटान में कोई टेस्ट है? नहीं भूटान तो सर देश ही अलग हो गया। सिक्के में सही वो देश अलग ऐसे है कि उनका तो दिल्ली ट्रेन है। ज्योग्राफिक लोकेशन कह रहे हैं सर, उसकी लोकेशन ज्योग्राफिक के ये कर्नाटक को भी देश कह सकते हैं। सर जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देश बताया है। मेरा भी सवाल है कि वहाँ बिना पेस्टिसाइड कैसे प्रोडक्शन हो रही है अगर अगर भूटान में? देखिए ये हम एक गिलास देना इतना आसानी से नहीं कह सकते, हम सिक्किम को ऑर्गेनिक कहते हैं। देखेंगे वहाँ पे किसान का वो बात नहीं, जो रिकॉर्ड वो बात नहीं करती। सबसे बड़ा रीजन जंगल और कल्टीवेटेड लैंड, उसका अनबैलेंस हो गया। मैत्री वहाँ सारा पेड़ पौधे ज्यादा है ना जी, तो मित्र कीट जो है वो ज्यादा बनाते हैं, यहाँ वो उतने हो नहीं सकते। 100% ऑर्गेनिक होने के लिए जमीन को इस इलाके को सिक्किम का मैं बता रहा था, वहाँ सिंगल ऑर्गेनिक है, प्रोडक्टिविटी है इधर आपने से भी कम की है भाई। नहीं वो तो नाम मात्र है जी, बस इनकम बड़ी लो हो गई, फार्मर्स की इनकम बहुत लो हो रही है। जो पहले नेट एक्सपोर्टर थे दूसरे स्टेट्स को, नेट इम्पोर्टर हो गए, तो वो जो सिस्टम है जब तक इसको हम साइज के साथ नहीं एक्सेप्टेबल नहीं हो। हाँ जी सीधी एक्सेप्टेबल नहीं है लोग मानते हैं ना, सिक्किम में तो अलाउ नहीं बैन कर रहे हैं, वो तो बैन तो कर रखा है डिफेक्ट अंदर ही रहेगा ना। तुम दोबारा सोच रहे हो? हाँ इसलिए जब तक किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट ना हो अभी नोट करो हमारा जो लगा हुआ है कि आप ये बड़े दो चार लोग फार्म की जगह पर लगा के पालीकर जी ने किया या अपने आप ही कर रख लिया? एक ही बात है, पालीकर जी से शुरुआत हुई थी जीरो बजट की थी। कंटिन्यू चल रहा है, चलो अच्छा है करते हैं, इसका थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाओ सरकार पर डिपेंडेंट है, अपनी खड़ी होनी कमाई ना करो जो हम इधर एक एकड़ लगाने की बात कर रहे थे ना, या हम लोग वहाँ पे नेट हाउस का देखते हैं, उधर जगह नहीं है नर्सरी एक्सटेंशन के लिए, जो हम एक एकड़ कह रहे थे लोग कह रहे हैं हम कमर्शियल लगाते हैं दो एकड़, उसको हम नर्सरी के लिए सर को जो सबसे इसका स्कीम है हॉर्टिकल्चर पे है, नेट पे है, तला बनाने पे तो ये हमारी मेरा पानी मेरी बरसवाई जो बच जाएगा उसमें मेरी कोई सोचे तो बागवानी अगर कोई प्याज बागवानी करने भी आता है तो जो स्टिल सर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेवल पे डिस्कस ही होता है। इसको मैनेज करने के लिए जो उनको चाहिए बाद में मैनेजमेंट बहुत पड़ेगा। अब हमने भी यहाँ क्या रखा है कहीं पे भी
आप हमें एक पंचायत दे दो सर, हम आपको उसका कोर्स दे देंगे। एक मिनट जी, हम उसके कोर्स देते हैं, हमारा एनुअल इनकम हमें कर, हम करके देखें। नहीं, हम 4-5 साल तक हम उसको मैनेज करेंगे, पूरी काम करेंगे, बंदे भी हम लगाएंगे, पूरा डर कुछ भी नहीं देंगे, हम भी देंगे भाग देंगे, तैयार करके देंगे, 5 साल बाद ट्रांसफर कर देंगे, तैयार करके भी आप देंगे 5 साल बाद उसकी अंदर ऐसी हो जाए जो ये कहने लायक हो जाए, 1000 का ठीक है, उससे ज़्यादा साइड से जाएंगे भाई। ठीक है सलाम साहब। कोरोना ने रोक रखे और ना हरफ कर थैंक यू मैम। इट वॉज सच एजुकेटिव फॉर मी एज वेल। मैं कह रहा था कि आप घूमने में एक बार